साथियों आपको सबको पता लग गया होगा कि केवीएस का पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस जो है आउट हो चुका है, यानी कि आ चुका है। दोस्त मैं तो अभी शादी ब्याह के सीजन में थोड़ा सा बिजी हूं, इसलिए बाहर था, इसलिए शायद आपको वो क्वालिटी ना दे पाऊं, इसलिए माफी चाहूंगा। लेकिन मेरी तरफ से ये अप्रोच है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। इसलिए मैं दोस्तों अभी एक एडवांस सिचुएशन वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों केवीएस पीजीटी में क्या क्या हुआ बदलाव, क्या होगा एग्जाम पैटर्न और क्या पढ़ना होगा क्या नहीं पढ़ना होगा, आपने जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्त कि अगर केवीएस पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, तो दोस्त यहां पे जो आपका पेपर होगा 180 नंबर का होगा, 180 मिनट मिलेंगे और 180 सवाल होंगे, हर एक सवाल एक नंबर का, टोटल 180 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें 180 क्वेश्चन का किस तरीके से चेंज होगा, किस तरीके से बाइफर्केशन होगा, बात करें सबसे पहले 20 नंबर होंगे लैंग्वेज के पार्ट वन के अंदर। पार्ट वन में लैंग्वेज 20 नंबर की आएगी, जिसमें दो लैंग्वेज होंगी इंग्लिश और हिंदी, 10 नंबर की आएगी, 20 नंबर आपकी ये हो जाएंगे। दोस्त लिख लेना प्लीज यार, क्योंकि मैं अभी लिख के बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बिल्कुल बाहर हूं, शादी ब्याह के माहौल में बिल्कुल बिजी हूं। अगर दूसरी बात करें यहां पर, तो दूसरा होगा वो आएगा आपका करंट अफेयर, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। तो दोस्तों ये वाला सेक्शन आपका, ये सेक्शन भी आपका 20 नंबर का होगा। यहाँ पे आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस मिलाकर 10 नंबर होंगे और रीजनिंग 5 नंबर की होगी और कंप्यूटर लिटरेसी आपकी फिर 5 नंबर, यानी ये वाला सेक्शन 20 नंबर का हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, वहां पे हम चलते हैं। तो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव एंड लीडरशिप, ये नई चीज जुड़ी है इसके अंदर जो कि बिल्कुल नया है, ये आपका 40 नंबर का होगा दोस्तों। और ये नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपको सीटेट में पढ़ाया हुआ है, तो सीडीपी बाय आशीष दोस्तों नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें आपको जो है पूरा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव और लीडरशिप सारा 40 नंबर का मैं एक्सप्लेन करूंगा। और बात करें सबसे आखिरी सेक्शन की पीजीटी के अंदर जो है, तो वो सबसे आखिरी सेक्शन होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न का, जो कि 100 नंबर का होगा। तो उसमें पूरा सब्जेक्ट आएगा। तो कुल मिलाकर पहला सेक्शन लैंग्वेज वाला 20 नंबर का, दूसरा सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का वो 20 नंबर का 40 हो गए, और तीसरा सेक्शन आपका जो एजुकेशन पर्सपेक्टिव का वो 40-80 हो गए, और 100 नंबर का ये पेपर हो जाएगा आपका। तो कुल मिलाकर 180 क्वेश्चन, 180 मिनट और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो दोस्तों ये है पीजीटी का पैटर्न। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे आशीष के साथ टीचर सेंटर।